परिजनों में आक्रोश। घटना को लेकर जयपुर में एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी पर प्रदर्शन किया गया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। 50 लाख के मुआवजे और आश्रित को नौकरी देने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करौली में पुजारी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश है। जयपुर में एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी पर प्रदर्शन किया गया है। इस घटना को लेकर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग इस प्रदर्शन के जरिए की जा रही है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, करौली में पुजारी को जिंदा जलाने का मामला और इस मामले में परिजनों की ओर से प्रदर्शन किया गया है। पचास लाख के मुआवजे और आश्रित को नौकरी देने की मांग परिजनों की ओर से की गई है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। करौली में पुजारी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। विरोध जताया गया है इस घटना का। और साथ ध्वज आ रहे जुड़ गए संवाददाता फोन लाइन पर। ध्वज, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर आगे बड़ी घटना बताई जा रही है। करौली में जो पुजारी को पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी, पुजारी की जो एसएमएस अस्पताल में जो मौत हुई थी, उसके बाद में परिजनों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। एसएमएस की मोर्चरी के बाहर जो सैकड़ों की संख्या में जो परिजन हैं और गांव के लोग हैं और ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ में उनकी जो मांगे हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस ने फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो बाकी जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उसके साथ साथ 50 लाख रुपए का जो उन्होंने कहा है कि कंपनसेशन दिया जाए। और जो आश्रित है, एक सरकारी नौकरी की मांग भी लगातार की जा रही है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं लगातार उन्हें समझा रहे हैं और समझाइश के साथ साथ में उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो डेड बॉडी को उठाएं और उसके साथ साथ में इनका अंतिम संस्कार करें। और इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान में राजनीति जो है पूरी तरीके से गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया है और अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि ये जो घटना है काफी शर्मनाक है कि इस तरीके से कि एक दिन दहाड़े एक जो पुजारी है, मंदिर का पुजारी, उसको जला दिया जाता है, उसके बाद की जो मौत हो जाती है। तो प्रशासन की जो कमजोरी है वो साफ तौर पर सामने आ रही है। और जो पुलिस के ऊपर भी उन्होंने इल्जाम लगाए हैं कि पुलिसिया जो तंत्र है वो पूरी तरीके से फेल है। जिस तरीके से लगातार इस तरीके के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, राजस्थान अपराधों की राजधानी होती जा रही है और उसको लेकर जो जो राजनीति जो सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो बड़ा मामला जो है राजस्थान में अब देखा जा सकता है जिस तरीके से ये जो मामला उठकर आ रहा है। और सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो भाजपा की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं और उसके साथ साथ में जो है अभी फिलहाल जो अभी की स्थिति है, तो एसएमएस की जो मोर्चरी के बाहर है जो सारे परिजन हैं वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं उन्होंने कहा है कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक वो पुजारी का शव नहीं उठाएंगे। जी, कितने लोग इसमें आरोपी हैं ध्वज? देखिए, सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, लगातार प्रशासन के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे हैं। आरोपी जो लोग हैं वो कितने लोग हैं, कौन लोग हैं? देखिए, आरोपी 5 से 6 के आसपास पुलिस ने जो नामजद किए गए हैं। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ साथ में जो बाकी जो आरोपी जो फरार हैं उनको गिरफ्तारी की मांग भी लगातार की जा रही है। हालांकि जो करौली के जो एसपी हैं, जब इंडिया न्यूज ने उनसे बातचीत की मृदुल कछावा, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कुछ जो आरोपी जो बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। हालांकि एक जो आरोपी को उन्होंने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की बात कही है। उन्होंने अपनी टीम की भी उन्होंने खासतौर पर ये कहा है कि उनकी जो टीम है काफी अच्छा काम किया है, तुरंत ही उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो उसके साथ साथ में जो बाकी जो आरोपी हैं उनके लिए टीम का गठन किया गया है। तो लगातार जो जो परिजन है वो ये मांग कर रहे हैं कि जो ये कातिल हैं और जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके सहयोगी जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। 50 लाख रुपए की उन्होंने मांग की है कि ये जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उसको जो है कंपनसेशन दिया जाए और उसके साथ साथ में एक आश्रित को नौकरी दी जाए। तो इनकी मांगों को लेकर लगातार जो प्रशासन के अधिकारी हैं, खुद डीसीपी स्तर के अधिकारी मौजूद हैं मौके पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ध्वज, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए।